विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विधायक, महापौर, प्रभारी एमआईसी पार्षदों और नागरिकों ने लगाए सैकड़ों छायादार पौधे, दिया प्रकृति के प्रति जागरूकता का परिचय। दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत 5 जून को विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयोग के उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा, सभापति राजेश यादव, पर्यावरण प्रभारी सत्यवती वर्मा, जनप्रतिनिधियों और निगम अधिकारी गण और पदाधिकारियों ने वार्ड के नागरिकों के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरिहर दुर्ग के लिए वार्ड 18 जवाहर नगर के खेल मैदान में सैकड़ों पौधे रोपे और अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए इस मौके पर महापौर परिषद के प्रभारीगण, पार्षदगण, एल्डरमैन व निगम अधिकारीगण के अलावा नागरिकों ने पौधारोपण दिवस में अपनी भागीदारी दी। साथ ही नाम पट्टिका के साथ वृक्षारोपण किए। इस मौके पर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वृहद पैमाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पौधारोपण किया जा रहा है। पौधारोपण से ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे जीवन बचेगा। वृक्ष लगाना है और वृक्ष की देखभाल भी करने की बातें उन्होंने कही, ताकि वृक्ष सुरक्षित रहें। वृक्ष लगाना उन्होंने जीवन में सबसे पुण्य काम बताया। वहीं महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा, पेड़ लगाने से प्रकृति सुंदर होगी, पेड़ की छाया और ऑक्सीजन मिलेगी। पेड़ लगाने से दुर्ग हरिहर दुर्ग बनेगा, इसलिए शहर के सभी नागरिक एक पेड़ अवश्य लगाएं। तो वहीं पर्यावरण प्रभारी सत्यवती वर्मा ने कहा कि स्वच्छ वातावरण सभी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, परंतु इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसकी शुरुआत आज से करने की बातें उन्होंने कही। इसके लिए विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व आयुक्त हरीश मंडावी ने अपील कर कहा कि दुर्ग शहर के सभी वार्डवासी अपने अपने घरों के सामने एक एक पौधा लगाकर वृक्षारोपण दिवस में अपनी भागीदारी दें। इस अवसर पर वार्ड 18 जवाहर नगर के खेल मैदान में जन जागरूकता के आधार पर विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे गए। इस प्रकार से पौधारोपण किए जाने से शहर का वातावरण शुद्ध और बेहतर होगा। इस अवसर पर मैं क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। जिस तरीके से पेड़ों की कटाई पूर्व में हुआ करती थी और हमारी सरकार आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ प्रदेश में लगाए गए हैं, तो आप तापमान में ताकि स्थिरता रहे, ओजोन की परत में जो ह्रास हो रहा है उसमें भी स्थिरता है, इसके लिए पूरे प्रदेश में व्यापक पैमाने पर हमारी सरकार ने वृक्षारोपण अभियान चलाया है। मैं समझता हूँ इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इसमें भाग लें और एक वृक्ष जरूर लगाएं। सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पर्यावरण की रक्षा करना ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे जिस ढंग से उमस हो रही है, कोरोना काल के दौरान हम लोग देखे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो हम सबको एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पेड़ के लगाने के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम लोग नगर निगम के द्वारा विभिन्न स्थानों में सैकड़ों पेड़ हम लोगों ने लगाया। वार्ड 18 के में हम लोगों ने माननीय विधायक जी, हमारी प्रभारी सत्यवती वर्मा जी, हमारे सभी MIC के साथी, समस्त लोगों ने वृक्ष लगाकर एक पर्यावरण की रक्षा को लेकर हम लोगों ने एक आज संदेश दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।